हेलो गाइस आर एस क्लासेस 90.5 पॉइंट फाइव में आपका स्वागत है आज हम लोग फिजिक्स में एक और टॉपिक देखने वाले हैं वो है ग्रेविटेशन चलिए देखते हैं फटाफट हम लोग ग्रेविटेशन एवरी बॉडी एट्रैक्ट्स द अदर बॉडी बाय अ फोर्स कॉल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मतलब कि एक फोर्स है एक बल है जिसके कारण क्या हो रहा है एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है उसी को ग्रेविटेशन कहते हैं नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट पॉइंट बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर दासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दम एक ये जो फॉर्मूला है उसी से आप समझ लीजिए कि ये जो ये जो लॉ कहता है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एम वन एंड एम टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दम चलिए आगे देख लेते हैं जी है जी क्या है यहाँ पे इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसका वैल्यू होता है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टें माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर ये जो आपका यूनिवर्सल इसलिए कहा गया है क्योंकि हर जगह सेम रहता है कहीं भी चेंज नहीं होता इसलिए यूनिवर्सल इसको बोला जाता है नेक्स्ट है वॉट इज ग्रेविटी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ मतलब कि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसको ग्रेविटी कहते हैं ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर मतलब कि ग्रेविटी ये अर्थ का पार्ट है ये इसका प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये सारे बॉडीज को सारे मतलब कि बॉडीज को अपने तरफ खींचता है अपने सेंटर की तरफ खींचता है आगे देखते हैं हम लोग एक्सलेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कि ग्रेविटी के कारण उत्पन्न जो एक्सलेशन होता है उसको एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं और उसका वैल्यू होता है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेप साइज एंड मास ऑफ द बॉडी ओके सेप साइज और मास के इंडिपेंडेंट है एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब देख लेते आपका एप्लीकेशन इफ अ मैन जम्प्स विदोसिटी वी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एक आदमी है जो कि मतलब की कूद रहा है वी वेलॉसिटी से अर्थ के सर्फेस से तो क्या होता है हाइट अटेन्ड बाय द मैन मतलब कि उस कितना ऊंचाई तक उसका हाइट वो जा सकता है दैट इज कॉल्ड वी स्क्वायर बाई टू जी ये फॉर्मूला से हो जाएगा द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ क्या है जी का वैल्यू मून पे हमेशा ही अर्थ से पृथ्वी से कम होता है हेंस ऑन मून अ मैन कैन जंप हायर देन द अर्थ मून पे क्या है कि जो इंसान है वो ज्यादा जंप कर सकता है अब देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ जी मतलब कि जी जो है वो आपका चेंज होते रहता है ठीक है और वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ हाइट और डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस जी जो है कम होता है हाइट के साथ और डेफ के साथ ठीक है जी जो होता है पोल्स पर ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है जी जो होता है इक्वेटर पर सबसे कम होता है उसके बाद जी जो होता है वो डिक्रीज करता है एज द रोटेशन ऑफ द अर्थ मतलब जितना तेजी से रोटेट करेगा आपका ये अर्थ जी आपका उतना ही कम होते जाएगा जी डिक्रीजेस इफ एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ डिक्रीज इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस मतलब कि जी जो होता है अगर कोई अर्थ मतलब अर्थ जो है अगर अपना स्पीड को जो आपका ऑर्बिटिंग स्पीड है एंगुलर स्पीड है उसको अगर वो बढ़ा देता है तो आपका क्या होता है जी का वैल्यू कम हो जाता है और अगर वही स्पीड जो अर्थ का है वो एंगुलर स्पीड को अगर घटा देता है तो जी का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है अब आगे देख लेते हैं इफ़ एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ बिकम सेवनटीन टाइम्स एंगुलर स्पीड जो आपका अर्थ का है पृथ्वी का अगर सत्रह टाइम हो जाता है तो क्या होता है इट्स प्रेजेंट वैल्यू मतलब इसका अभी जो value उसका हो जाता है, body on the equator becomes weightless. मतलब जो भी बॉडी इक्वेटर पर रहेगा उसका जो वेट होगा बिल्कुल नल हो जाएगा बिल्कुल जीरो हो जाएगा अब देख लेते हैं कुछ लिफ्ट के एप्लीकेशन वेट ऑफ अ लिफ्ट इन वेट ऑफ द बॉडी इन इफ अ लिफ्ट इज स्टेशनरी अगर लिफ्ट कोई काम नहीं कर रहा एकदम शांत इफ लिफ्ट स्टेशनरी और मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड लिफ्ट क्या है या तो आपका शांत अवस्था में है या तो आपका मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे के डायरेक्शन में है तो यहां पर क्या होगा जो एपरेंट वेट होगा मतलब जो माना जा रहा है जो वेट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एक्चुअल वेट के या ट्रू वेट के ठीक है जो बॉडी का वेट है वो और आपका जो एपरेंट है जो माना जा रहा है दोनों बराबर हो जाएगा इफ अ लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एक्सलेशन फिर से लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सलेशन के साथ जा रहा है तो अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन द ट्रू वेट अपरेंट वेट ये हो गया ये ट्रू हो गया तो अपरेंट वेट क्या हो जा रहा है आपका ट्रू वेट से अधिक हो जा रहा है उसके बाद क्या है इफ़ लिफ्ट इज गोइंग डाउन विथ एक्सलेशन अब लिफ्ट क्या हो रहा है नीचे जा रहा है एक्सलेशन के साथ तो एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज लेस देन द ट्रू वेट एपरेंट वेट क्या हो जा रहा है ट्रू वेट से कम हो जा रहा है उसके बाद क्या हो रहा है इफ द कोड ऑफ द लिफ्ट इज ब्रोकन मतलब वो जो रस्सी से जो लगा रहता है वो टूट गया इट फॉल्स फ्रीली अब एकदम आराम से फॉल कर रहा है इन दिस सिचुएशन द वेट ऑफ द बॉडी इन द लिफ्ट बिकम्स जीरो अब क्या हो रहा है इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो बॉडी का वेट हो रहा है वो जीरो हो जा रहा है और हमें मतलब कि वेट का आभास ही नहीं लग रहा है ठीक है उसके बाद क्या लास्ट पॉइंट है वाइल गोइंग डाउन जब नीचे जा रहा है तो इफ द एक्सलेशन ऑफ द लिफ्ट इज मोर देन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सलेशन अब क्या हो गया एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अधिक हो गया ठीक है बॉडी इन द लिफ्ट गोज इन कॉन्टैक्ट ऑफ द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट जो लिफ्ट है उसका जो सीलिंग है ये बॉडी जो यहाँ पे था ये बॉडी अब इस सीलिंग से टच हो जाएगा ठीक है जब आपका एक्सलेशन जो लिफ्ट का एक्सलेशन है वो आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब तो ग्रेविटी जो है उससे अधिक हो जा रहा है तो चलिए यहीं तक आज हम लोग देखते हैं लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें